यूपी की सबसे हॉट सीट बताई जा रही रामपुर लोकसभा सीट में आए दिन सियासी वॉर हो रहे हैं। कभी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता आजम खान बीजेपी प्रत्याशी अभिनेत्री जयपर्दा पर तंज कसते हैं, तो कभी जयपर्दा ही आजम खान को आड़े हाथों ले रही हैं। हाल ही में प्रेस वार्ता आयोजित कर अभिनेत्री जयपर्दा ने आजम खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आजम ने जयपर्दा को पहले बहुत प्रताड़ित किया है और इस पर अखिलेश और मुलायम ने भी उनका साथ नहीं दिया था। वहीं आजम के साथ पुराने भाई बहन के रिश्ते पर भी जयपर्दा ने आजम पर निशाना साधा। मैं बताना चाहती हूँ अमर सिंह जी के बारे में। अमर सिंह जी को इसलिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, मेरे को बदनाम किया, मेरे से एक औरत को समाज में अगर एक विमेन पावर कहला जाता है, विमेन को उत्थान की बात होती है, जब मैं यहाँ पे राखी बांधने के लिए आती हूँ तो मेरे राखी वापस हो जाता है। उस राखी के वास्ते में बता रही हूँ, कोई भाई अपने अपने घर में बहनों को इस तरह के अभद्र भाषाएं इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए उस वक्त उस जंग में ना मुलायम सिंह जी ने साथ दिया था, या अखिलेश ने साथ दिया था, या आजम साहब के उनके जुल्मों को समाप्त करने के लिए कोई रास्ता दिखाया। अकेली औरत रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो ये जंगल राज हुआ है उस वक्त। मैं अखिलेश जी को बताना चाहती हूँ, भाई भाई बोलने वाला अखिलेश, बहन अब गुहर लगा रही है तो कम से कम तुम तो फोन तो करो कि मैं किस साल पे रही हूँ। सियासत का सफर मैं कभी भी नाराज नहीं हूँ। वो खुद मुझसे नाराज है, वो खुद मुझसे एमपी थोड़ी बनाए हैं, पाजेब को बनाए हैं हम एमपी, नाचने वालों को बुलाया है। रामपुर से शनु खान की रिपोर्ट।